बेटा राम सिंह। हेलो, कैसे परेशान हो तुम? चाची जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। चाचा जी दरबार के लिए जा रहे हैं। चाचा जी दरबार के लिए जा रहे हैं? हाँ। और आपने नहीं रोके? मैंने उनसे खूब मना किया परंतु वो नहीं माने। नहीं माना? नहीं माने। तो आप दूध पी के आराम करिए बेटा, मैं देखती हूँ चाचा जी कैसे नहीं मानते हैं। हालांकि वो किसी के मानते ही नहीं है। किसी के नहीं मानते हैं? नहीं, यही तो हम देखेंगे किसी की नहीं मानते। वो दरबार के लिए नहीं जाने चाहिए। ठीक है ठीक है। कृष्णा मेरा घोड़ा तैयार किया जाए। घोड़ा कहाँ के लिए तैयार हो रहा है? आप दरबार के लिए जा रहा हूँ। दरबार के लिए? जी हाँ। ये इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ये दरबार जाने के लिए? जी हाँ। आप क्या कहना चाहती हो? जाना जो जाना तुम्हें, जाना हो प्रभा कौन समी दरबारी का, सिदम आदिरा दरबारी को न। अच्छा, न जाओ जी सैया आधीरा को दरबार। अकेले जा? रात के 12 बज रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या सूजी 12 बजे ये जिया फू अकेले जाती, और सुन सुन बत्तियां आपकी हो मारी चतिया धड़ी का खाती जी परिवारी। करूं उसे कल? हाँ। और कल का काम परसों? अच्छा। अब परसों का काम अतरसों? अच्छा। अतरसों का काम हो या ना हो? हो ना हो। क्यों पागल हो रही है? अभी करो सो कल करो, और कहूं जोड़ी करे हाथ, और रेनी गुजारो चैनी से, अरे कोई उठ जाइयो प्रभात जी दरबारी को ना जाओ जी। ठाकुर साहब हाँ। रोज हम बांदी को भेजते थे। अच्छा। बगीचे में? अच्छा। आज हम खुद चल के बगीचे में गए, और अपने हाथों से अच्छा बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फूल तोड़ के लाए। अच्छा। अरे अपने ही हाथों से सेज सजाई। अच्छा अच्छा। फूलन की सजिया मेरी, और सजी पिया कुमला, और प्याले पियो शराब के। आज शराब पीते पीते मुझे 7 रोज हो गए। 7 रोज? हाँ। 7 रोज आप तुमने अपनी मर्जी से पिए, आज एक दिन हमारी मर्जी से तुम्हें पीनी पड़ेगी। तेरी मर्जी से? अच्छा। और प्याले पियो शराब के, अरे कोई हिली मिली पोड़ो साथ जी हरिवारी को।
भगवान, ठाकुर साहब तो बहुत नाराज हो रहे। तुझे पता नहीं आज मुझे सात रोज हो गया, तुझे वही पड़ी है अपने घर की। सात रोज तो हो गए आपको, जाने दे जाना मुझे, और मत कर रंग मलाल, और जान ही की देर है, मैं तो वापस आऊं। आज अभी गया है, तुम्हारा नया नया गोना होके आया है, जो गोने में हाँ। भूरी भैंस मिली है, भूरी भैंस हाँ, तुझे बाप ने दी, उसका दूध पी के हाँ। और आराम करिए, दरबार की कोई चिंता फिक्र मत करिए। अच्छा हाँ। ये लिखा है इसमें, इसमें ये लिखा है, पढ़िए के स्कूल के पीछे सैन गुटक के माती डोली है हाँ? रानी तुझे पता नहीं है किस बात का कि आज की हाजरी जाकर रजिस्टर मैं लिखाने थे। अच्छा आज की जरूर लिखाएंगे आप। आज की हाजिरी जाकर और रजिस्टर में लिखाने दे, सहिंसा का तुझे पता नहीं है एक रोज का जुर्माना कितना चला है कि हर एक तारीख का एक लाख और चलता देख मुझ पर जुर्माना कि हर एक तारीख का एक लाख और चलता मुझ पर जुर्माना निपट जाने तो सरकारी कारज को प्यारी मत बढ़ाने दे, बढ़ जाने
करो तुम और सोच फिकर सचपन रंज गम दूर तमाम करो, दूर तमाम करो तुम। और क्या है, एक दिन का एक लाठी क्या और जुर्माना है बाती और लाख लाख की यहाँ पति मेरे छिन छिन छीजे काबिल है तू। जुर्माना 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 है या मेरी सोच, तेरी सोच प्यारी तेरे हार की और तक क्या मुझको दरकार और 9 करोड़ का खजाना मेरे रहे हर घड़ी। राठौरों की मार बाड़ में और दिख होती इज्जत कम है, पता है हो और ना दूं एक पाई जुर्माना मेरे जब तक दम में दम है। बड़ों के नाम यानी मेरे पूर्व उनके नाम की चिंता है मुझे नहीं, जुर्माना मेरे लिए कुछ नहीं। अच्छा हाँ, कि बड़ों के नाम को हर जाज नहीं बट्टा लगाऊं को हरगिज और नहीं बट्टा लगाऊंगा, चुकाऊंगा जुर्माना तो देगा से चुकाऊंगा।
कर करे सह माफ जुर्माना, अगर सहसा इस जुर्माने को माफ कर देगा तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। सोच फिकर सस पंज रंज गम दूर तमाम करो तुम। हे भगवान, के मेल आराम करो तुम, मेल आराम करो तुम। और क्या, किसके साथ आराम करे हैं? किसके साथ? हाँ, इकले जब सोते हैं तो बुरे बुरे सपने आते हैं। अच्छा, हमें अकेले में नींद नहीं आती। अकेले में नींद? अच्छा, तुझे अकेले में नींद नहीं आती? नहीं। अपने जब गांव में थी अपने पियर तो किसके साथ सोती थी? गांव में सोते थे अपनी मम्मी के पास, पापा के पास, बहनों के पास। अच्छा हाँ, तो आज अकेली सो जा। अकेले में डर लगता है हमें। मुझे नींद ना, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहां दिल को गया। चांद से भी प्यारा मुझको मेरा।
अब तो मान जा मेरे पत्थर। क्या कह रही है पत्थर? पिटाई मांग रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इतनी देर में भगवान के घुसा मत कर लेती, वो भी नीचे उतर आते। तेरी कहीं से भगवान नहीं आएगा यार, जानकार है भगवान की बात क्या है। थारे पास तेरे सजना, थारे पास तेरे ढोला, नैनी मारे जागर जागे, नैनी मारे जागर साई सरी, नैनी जागे तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन बात नहीं है रानी, मेरी नौकरी का सवाल है। हम है दूरी, इतनी दूरी है। हाँ हाय हाय मजबूरी, ये मौसम है दूरी, मुझे पल पल तू तड़फाए, तेरी दो टकिया की क्या, तेरी दो पैसे की नौकरी में मेरा लाखों कसा बन जाए रे। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम
है। कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आंसू लगाए, इस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए कब आए कब आए। अंबर से जो नचा सा अंबर, फिर भी क्यों घबराए, तेरी दो पैसे की। अच्छा, दो पैसे की, तुझे तो दो पैसे की दिख रही है ना। दो टक्की आपकी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए रे। सात रोज हो गए तेरे साथ, सात रोज, हाँ, फिर सात, भी सात रोज तुम्हें अपनी मर्जी से, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो सुन ले। हाँ। आज एक दिन तुम्हें मेरी मर्जी से दारू पीनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। ये तेरी इच्छा है पंडित जी, तेरी पहली रात गौने की, तेरी पहली रात गौने की, लुट गई लंका सोने की, तेरी पहली रात गौने की, लुट गई लंका सोने की, तेरो बलम पाज सच टूटो क्या बागना तो आया कर रही, अब जाना दे रही, बलम बाज सौ टूटो, रात से जब पाप देखिए मैं दंतकट की भरत पूरी टूटो, तेरी पहली रात गौने की, प्रेम का ऐसा बंधन है, कभी न छूटे, नौकरियां का क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे, कल छूटे, ये छूटने वाली नहीं है। अच्छा, हम छूटने वाले, नौकरियां छूटने वाली नहीं। मधुर मृदंग का ये सावन हाथों से निकला जाए, तेरी दो टकिया की, अच्छा, तेरी दो पैसे की, बहुत तान पा रही है, तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए रे। ठाकुर साहब, क्या है, तुमने मेरा प्यारी प्यार देखा है अभी तक? प्यार देखा है? हाँ, मुझे गुस्सा बहुत जोर से आती है। अच्छा, गुस्सा भी आती है तुझे? हाँ। तो ठीक है, हमने तो गुस्सा देखा भी नहीं है, कैसी गुस्सा है? सुनो मेरी बात, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। और किससे कह रही है? मैं तो अपने माँ बाप को गाली दूंगी। अच्छा, अगर ऐसा ही करना था तो क्यों किस्सा बनाना था, जो मरना था तो मर जाते, जो मरीना था तो मर जाते, ना गोना करके लाना था, जो मरीना था तो मर जाते। अरे मेरी मैया रे, क्या मर जाइयो मेरो प्यारी बाप। ए, बाप को क्यों मार रही है? हर मर जाइयो मेरो प्यारी बाप, बिटरिया ब्याए तो ही जो चाकरी को मर जाइयो।
जाएगी अभी तो। कमर को जाए न हर गे मैं तो जाऊं तू रो रो हस गुन करे है तू बेहूदी तुझको अकल ही नहीं हट मेरे सामने से और नजी को जला पत्त खाना मुझे ये सकल ही मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम जी मैं हूँ कहीं मारे न जाओ बस यही खौफ है और मुझको तो कोई फिक्र ही कुछ समझना तू इसमें कसर की नहीं और मारा जाऊंगा तो भी और ऐसा है क्या रहा दुनिया में कोई मुझे आता जहां में नजर ही मैं कुमार राम सिंह को तेरे पास मेरी में तो कुमार राम सिंह छोड़ जाता हूँ करना फिकर जी नहीं ये करेगा उम्र भर और टहल क्या करी कभी करने का तुझसे उजर जी मैं राम सिंह को आपके पास छोड़े जाता हूँ। वो ऐसा लड़का है आपकी आज्ञा का पालन करेगा कभी मना नहीं कर सकता है। आप जाइए। ठीक है और सुन अभी गया संत आया। हे भगवान जैसे मेरा सुहाग जा रहा है ऐसी वापिस आ वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े उस पे सवार है मेरा सुहाग है रखियो तू आज की लाज हो ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े उस पे सवार है मेरा सुहाग है रखियो तू
सिंह अभी तक नहीं आए, कोई हाजिर है यहां? ये क्या करते हो? ये सिलोट है, सिलोट। अच्छा हाँ कहिए जी। खामोश हो जाओ। अमर सिंह नहीं आया, मैं गुस्से में चोर हूं। आप सुनाओ कोई ऐसा गाना हाँ जिससे दिल हो मस्ताना, वाह वो राग जमे हाँ, वो रंग जमे आकाश भी जिससे हिल जाए, वाह दीवारे मुख से बोल उठे हाँ, मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए। सुनाओ गाने वाली कैसी होनी चाहिए? आका गोरा बदन पतली कमर, आहा सुभान गोरा बदन पतली कमर सुभान, और होठों पर जिसके लाली हो वाह, और बाल भी हो घुंघराले, दोनों आंख चलाने वाली हो, दोनों आंख हाँ, इससे हमें तुम्हें क्या मतलब? अरे तबीयत हमारी खुश कर दे ये छे छे बच्चे वाली हो। वाह वाह सुनाओ। आइए आइए मेरी ओखरी। क्या है? हर मेरी मैडम, हर मेरी मैडम, मेरी मैडम तेरे नाराजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अरे गुस्सा में थप्पड़ दे मारो मेरी मैडम के नाराजी तो नहीं। कहा सुना रो तू? आइए है सिंगल बाती मेवाती। हाँ मेवाती तो पहलवा मेव की बात तो सुना दे। हाँ मेव मेव की बात सुना दे। सुना दू? सुना दे। हाँ चौधरी मेव की बात सुन। एक मेव गए हो घास लेने। अच्छा। चौमासे को महीना जैसा भेरो है। बरसात का मौसम। बरसात का मौसम हाँ। अब वो घास लेने गयो, जब आने आधी घास काट ली हाँ। अब जब आधी घास काट ली तो वह बूंद पड़न लगी हाँ, यानी बरसात होने लगी। पीछे हट जाओ, पीछे खिबरेंगी हाँ। जब आधी घास काट ली अब आने मेब ने देखा नहीं तो चढ़ो यारो बादर तो अब मोलू भिजो बैगो। अब आने का काम करो कि दोनों तहमद और कुर्ता उतार के झट खेत में डाल दिए हाँ, मट्टी में डाल दिए। अब ज्वार में जा बैठो आहा, इतना पानी पड़ो हाँ कबाड़ी वाके यहाँ ही ना आगो पानी ही ना आगो ऊपर तक हाँ हाँ। अच्छा अब आने जाके देखो बाड़ की तो भाई बरसात पट्टिया भर गई सब हाँ। अब मेब जगह भूल गो जहाँ खेत में कपड़ा दबने कपड़ा दबने। अब घर लू कैसे जाओ? शाम हो गई। ये तो भाई अन्याय होगा मेरे संग हाँ। अब घर लू कैसे जाऊँ मैं? अब आने का काम करो भाई हाँ। करमपाल हाँ। अब आने कचरिया के बेल लपेट के हाँ खेत में सो खार के हाँ हाँ कचरिया लग रही हूँ ज्वार में ज्वार में कचरिया के बेल लपेट के हाँ। और अपनी घास लेके झट गांव घुचल दियो हाँ। अब जाते जैसे गांव में घुसो हाँ। छोटे छोटे बच्चा काको कचरी लायो वो काको कचरी लायो कचरी लायो काको कचरी लिपट गए चारों तरफ से कचरिया तोड़ ले गए काका हाँ। अब मैं ठाड़ो घर के सामने नू हाँ अंटी चढ़ा के अच्छा मेबरी बोली हाँ। अरे हूं कायलू ठाड़ो है हाँ। अहीन को न मरे आके हाँ। अब मेब अंटी कैसे खोले? अब दो बच्चा और आए काको कचरी दे दे काको कचरी दे दे और बेटा कचरी ना सब तोड़ लेंगे। अब काका पीछे गए काका को झुर्रा पकड़ लियो कचरीन को कचरीन का झुर्रा पकड़ लियो पीछे हाँ। पीछे थे हाँ। अब आप मेरा सुनाओ मारोगे कब बोलू हाँ। अरे काका कचरी लूंगो हाँ। क्या या ना दूंगा तो बीजू कचड़ी है हाँ। वो एक बार फुरबाने सदा को सुख होई
के पर फुरवाले सदा को सुख होई अरे कानों में पानी सोना तिलक पर फुरवाले सदा को सुख हो यारी की क्या जाने, अरे तेरा नन्ना कलेजा है तू गमखारी की क्या जाने। अच्छा, तेरी तस्वीर को ये सब, तेरी तस्वीर को ये सब सिराने रख के सोते हैं। सब कैसे सो जाएं? और याद आती है रात में तो सीने से लगा। सुन ले एक बात मेरी। क्या? देख, हाँ देखा, भोले बाबा को मंदिर है। हाँ। हैं? तू इतने इतने बढ़िया श्लोक बकरा हुआ है कि तो मारे वालों को प्यारा। अरे ये श्लोक बढ़िया नहीं है? ये श्लोक बढ़िया थे, यही तो पवित्र है जाए। सुन ले एक बात बताऊं तो मैं। देख पार्वती थक गई भोले बाबा से। क्यों? अरे कितव कितव लेकर जा मैं, कितव कितव लेकर जा मैं भोले बाबा। और वो पीस पास के तैयार राख है का, पर एक दिन वो गायब है गई भोले बाबा। हाँ अच्छा, अब तो पार्वती बहुत परेशान। अच्छा, इतनी परेशान है गई न समझ ले के दर दर ठोकर खात भी सब में ढूंढत फिरी भोले बाबा है। भोले बाबा। अच्छा, और काले के, काले के जैसे हमारे है ना कन्हैया जी माखन खा में। हाँ हाँ, ऐसी भोले बाबा का खा में, का खा में, का खा में भंग। हाँ, मेरे सर पे कुंडली भांग की, मेरे सर पे कुंडली भांग।
मांग की भाई। मेरे सर पे कुंडली भांग की बोल भोले बाबा की जय। मेरे सर पे कुंडली भांग की मैं तो भोले को मनावनी आई। चोरी अच्छा हाँ तो कहाँ गई कैसे कह रही है क्या कह रही है पार्वती सुन ले इतनी अच्छी जगह पे का होते क्या होते भोले मंदिर मंदिर में गए वो भोले मंदिर मंदिर
हाजिर है दरबार में हमारे संग जाबिन नहीं
डर देगा और आधा लाख किया जुर्माना हमने बेअदबी करने का। सुभान अल्लाह, ये और अच्छी बात रही। आधा लाख यानी नंगी तलवार नंगा सर। देखिए आया है आपके सामने, सात रोज की गैर हाजिरी का 7 लाख, सात रोज की गैर हाजिरी का 7 लाख और आधा लाख, और आधा लाख नंगा सर नंगा हथियार लेकर के दरबार में पेश हुआ है। नंगा सर नंगा हथियार लेके पेशाब किया। हा? आप ही तो कह रहे हैं पेशाब किया, यहाँ किया पेशाब नहीं, मैंने कहा है कि 7 रोज की गैर हाजिरी का 7 लाख, 7 रोज की गैर हाजिरी का 7 लाख और आधा लाख किसका, जो नंगा सर नंगा हथियार लेकर के दरबार में पेश हुआ है, पेश हुआ है। आधा लाख इस बात का कुल मिलाकर के 7.5 लाख का जुर्माना इससे वसूल किया जाए। आधा लाख इस बात का 7.5 लाख रुपया इससे कुल जुर्माना वसूल किया। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आधा 7.5 लाख रुपया इससे जुर्माना वसूल किया जाए। हाँ हाँ, 7.5 लाख रुपया इससे वसूल किया जाए। कौन करेगा, कौन करेगा मियाँ, हम करें कौन करे मियाँ, हम कह रहे हैं कौन करेगा। अरे जुर्माना तो तुमने ही करवाया था ना, और तुम कह रहे थे मैं वसूल करूंगा जुर्माना, आप करिए। अब मुझे लगता है तुम अमर सिंह से डरते हो। क्या कहा, डरते हो? हाँ, ये बात मत कहना हुजूर, मैं डरने वाला शख्स नहीं। अच्छा, ये शेखों की हड्डी कब्रिस्तान में लड़ने के लिए तड़पा करती है, मगर आज मेरी हिम्मत नहीं, हिम्मत हिम्मत नहीं आज। ओहो, वो भी आया है साथ में, वाह भैया ना बड़े उनकी मात्रा है, वाह भैया ना आ जाओ। ये आया, ये देखो, देखो ये देखो, कोई तमीज है इनमें? आज नाव भाव कहने सब बुला देगा, ये नाव ऐसा नहीं है, ये ठाकुर अमर सिंह का नाव है, आज सब बुला देगा सब बात। वाह भैया नाव बड़ी ऊंची मात्रा है। उल्टो उस तरह से रमेरो, उल्टो उस तरह से रमेरो, उल्टो उस तरह, हाँ उल्टो सर है, देहाती है, देहात का रहने वाला है, देहात का रहने वाला है अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह कहो। धीरे बोलो धीरे, क्या देखो हुजूर, एक बात नहीं देखी आपने, जगह जगह सब दुकान यानी वो क्या बोले सैलून, सैलून बने हुए सब जगह, और इसने क्या काम किया है, या नाऊ नाऊ ने इसने किया है ये काम, पहले थी इसकी दुकान नीचे और अब है ऊपर, और बीच में बोर्ड लगा दिया है और उस पर लिख दिया है कि नीचे के बाल अब ऊपर बढ़ेंगे। वाह भैया ना, ये है वो, देखो ये अमर सिंह, ठाकुर अमर सिंह कहो। बोतल है हुजूर या बोतल, खाली बोतल या भरी बोतल पियोगे? पानी चाहिए उसमें। किस लिए? हम्बे हम्बे और हाँ, हिम्मत तो किनारा कर गई है, कर को जुर्माना अदा, और ये खड़ा हुआ क्यों सुस्त, ओ गमार आगा होश, होश का बच्चा बहुत अच्छा, ओ गमार वाह भैया ना, अब तो हुई अबे तेरी अकल, अकल ठीक हो गई,
पे क्या जोर पड़ा था? अरे पिए थे। ठाकुर अमर सिंह कहो बेटे नहीं। साढ़े सात लाख चाहिए। साढ़े सात लाख बम बम खामोश रहे और सेठ सलामत खान चौचा दा पक पक करे लहू निकाल। शेख सलामत खान और मुझसे कह रहा है तू तू बादशाह का साला, इसमें क्या बात है? अरे वो तो रिश्तेदारी है, बादशाह हमारे साले, हम उनके साले, हम लोग दूध बचता है, दूध हम लोग दूध बचता है, बस बोलिए। बादशाह भी आपके साले हैं? देखिए हम लोगों में दूध बचता है। अच्छा, मेरी बहन तो इनके है। अच्छा, और इनकी बहन मेरे है। अच्छा भैया ना वो ऐसा कह सलामत के तन मान सर को कलम और जरा छोड़ा नदम करके किस्सा खत्म भेजम। और जाइए अजी जाइए करज हमको ना चाहिए। मुझे झगड़ा निपटाना उसी साले को दो जुर्माना लेके जाओ एक मुश्त जो कुछ दिया जुर्माना। अमर सिंह हमने माफ किया किसने नहीं, इसकी लाश को किसी खाई में फेंक दो और मैं सहन का पीछा करता हूं। ठीक है। मेरी हवा करो, इतनी घबराई है।
हरचंद और मगर नहीं माना दुश्मन जाता और ये जुर्माना उस पर करवाया वो राजपूत अदाता ले लू भाई का बदला तुम्हारी चाहे
खबर जो थे बाके बहादुर अर्धा किसो सब भग गए बस आता नहीं है यहाँ पे गई डूब मर्दो और मर्दो की कुल मर्दमी बस तुम्हारे ही आने की है की। और बेगम साहेबा आज तो तुम इतनी ताकत दिखला रही हो उस दिन को भूल गए मैंने क्या किया था कि बहादुर के बहादुर और भल्म को जब तुमने काबुल मैं बुलाया बहादुर बलम को जब तुमने काबुल और मैं बुलाया था पिता रे नो पड़ती थी बैतों की और इस बेचारे के बदन ऊपर कि मार पड़ती थी बैतों की और इस बेचारे के बदन ऊपर और हाथ तलो पार ले करके इन्हें क्यों पता होगा आपके सामने पर कितनी बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं आपसे भी एक कहना है अमर सिंह राठौर ये नहीं पता है तुम कहां खड़े हो हमारे एक ही इशारे पर चींटी की तरह मसल दिए जाओगे क्या अमर सिंह से भले को और कियान तुमने पैर और हजरत अपनी जान की तुम मती समझना की
मानी उस तहकान। और तेरा से आधा बजा कर नौ महले जाता हूं। सुबह होते ही ताजो तक तुमको मैंने तुमको पकड़ी कब रखा है? मैंने तुमको पकड़ी कब रखा है? ऐसा गुस्सा जब तुम्हें आ रहा है ना, ऐसा गुस्सा तुम्हारे भाई को आया है था, वो साला कब्रिस्तान में पड़ा है। हाजी आप भी तो सुनते रहे, आप क्या चाहते, क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं जब तक आप अमर सिंह को गिरफ्तार नहीं करवा लेते, जब तक खाना खाएंगे नहीं आपको खाने देंगे, और पानी पीएंगे नहीं आपको पीने देंगे, और एक बात और है जी, नहीं सोएंगे नहीं सोने देंगे। हाँ इजाजत चाहते हैं। शुक्रिया। ऐश में यादें खुदा, तैश में खौफे खुदा, किसी को ये ध्यान नहीं रहता मैंने क्या कहा है। लेकिन अमर सिंह कह तो गया है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन उसका बंदोबस्त कराए देते हैं। कोई हाजिर है? मेरे इस दरबार में और है कोई ऐसा से हाजिर है।